हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे हॉरर टाइटल को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग तो नहीं जानते हैं, जो कहीं ना कहीं ये गेम गुमनामी के साए में है। पर वाकई ये गेम बेहद खास है, खास करके इस गेम की स्टोरी जिसका नाम है द मैन फ्रॉम द विंडो। आज हम इसी गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही इसकी सभी एंडिंग्स को भी। और हाँ, अगर आपको पसंद है इस तरह का कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मामा रैबिट से होती है, जो बार्ट लैबी बेकरी से देर रात को घर आती है और सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है, मैं थक गई और आज का दिन बहुत लंबा था और फिर कल मुझे सुबह जल्दी उठकर बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, जो हमको ये दर्शाता है कि वो एक सिंगल मदर है जिसको अपने बच्चे की देखभाल भी करनी है और अपने आप को फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक तौर पर मजबूत भी करना चाहती है। फिर जूनियर नाम का बच्चा रैबिट आता है और माँ से पूछता है कि आप इतनी देर से यहाँ क्यों जाग रही हो। और जूनियर देखने से बहुत छोटा लगता है, जो शायद 7 या 8 साल का होगा। फिर मामा रैबिट बोलती है, तुम्हें पता है ना कल तुम्हें स्कूल जाना है। बदले में जूनियर बोलता है, माँ मैंने मैन फ्रॉम द विंडो बुक पढ़ी थी, जो मेरी स्टोरी बुक है। फिर वो अपनी बुक मामा को दिखाता है जिस पर गेम का टाइटल है द मैन फ्रॉम द विंडो लिखा होता है और उसके नीचे एक क्रीपी सा फेस भी होता है। फिर वो बुक मामा पढ़ती है। ये बुक एक ऐसे अजीब से आदमी पर आधारित है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और चपटी नाक है। वो सिर्फ हेलो बोलना जानता है, जो चुपचाप खिड़की के जरिए से टॉयलेट करता है और वो एक चीज की तलाश कर रहा है, वो है एक दोस्त, क्योंकि वो बहुत अकेला है अपने जीवन में। और जब आप खिड़की से उसकी टैप टैप टैपिंग की आवाज़ सुनते हैं तो समझ लो कि उसको कोई नया दोस्त मिल गया है और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं उससे बचने के लिए। इसके बाद वो तुम्हें ले जाएगा, लेकिन परेशान मत होना, वो एक जगह नहीं रह सकता और उससे 5 मिनट तक चिपकर रहो, वो हार मानकर खुद ब खुद चला जाएगा। और अगर वो तुम्हें पकड़ लेता है तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उसके पास ना तो दोस्त है, ना परिवार, ना बेटी, ना बेटा। और ये आदमी जब भी किसी विक्टिम के घर जाता है तो उसे ढूंढता है उसके ही पूरे घर में, और वो घर के अंदर बच्चों को ठंडी जगहों पर ढूंढता है जैसे फ्रिज। और ये बुक पढ़ने से इतना तो पता चल जाता है कि ये आदमी दूसरों के घर बिन बुलाए आता है और बच्चों का किडनैप करके उसको अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसके साथ हमेशा खेलता रहे जब तक कि वो बच्चा या कोई भी मर नहीं जाता। फिर बुक पढ़ने के बाद माँ जूनियर से बोलती है, ये सिर्फ एक स्कैरी कहानी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए थी जूनियर, वरना तुम्हें बुरे बुरे सपने आएंगे और तुम सो नहीं पाओगे। पर माँ मैंने उसे बाहर देखा है, वो असली है। फिर माँ बोलती है, ये सिर्फ बुक है जूनियर, असली नहीं, अब तुम सोने जाओ। फिर तभी मामा रैबिट को टैप 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 की आवाज़ आती है और जूनियर बोलता है, वो बाहर है मामा। पर मामा रैबिट बोलती है, शांत हो जाओ जूनियर, बाहर कोई भी नहीं है, वो मॉन्स्टर नहीं है। फिर वो और भी ज़्यादा टैप 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 की आवाज़ आती है, जिसे सुन मामा रैबिट जूनियर से पूछती है, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली जूनियर? मैं जब स्कूल से घर आया तो ये बुक टेबल पर पड़ी थी मामा। फिर मामा रैबिट सोफे से उठती है और डोर के आई होल से बाहर देखती है, कहीं वो अजीब सा आदमी ही तो नहीं है, जिसके बाद वो डोर के सामने सोफा लगा देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके।
फिर वो डोनट का बॉक्स खोलती है जिससे वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ये डोनट का बॉक्स मामा गेम की शुरुआत में लाती है। फिर वो जूनियर के छिपने के लिए एक जगह ढूंढती है ताकि वो सेफ रह सके और वो जगह है फ्रिज, जो साथ में बोलती भी है, जूनियर ये जगह तुम्हारे छिपने के लिए सही है पर थोड़ी ठंडी है और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना जूनियर। फिर मामा रैबिट एक बार फिर से डोर के आई होल से बाहर देखती है और अब वो अजीब सा आदमी बाहर खड़ा मिलता है जिसको देख वो डर के मारे बार टप में छिप जाती है और डोर लॉक कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद 2 बज जाते हैं और वो स्कैरी सा आदमी डोर के बाहर आ गया है जो डोर खोलने की कोशिश कर रहा है, पर डोर के सामने सोफा भी है जो शायद उसको नहीं पता। फिर भी वो डोर को खोल देता है और आखिरकार अंदर आ जाता है जहां उसको टेबल पर डोनट्स का बॉक्स दिखता है जिसको खाने में वो 1 मिनट का समय लगा देता है और अब वो इस घर में 5 मिनट तक लोगों को ढूंढेगा जब तक कि उसे कोई नहीं मिल जाता। फिर वो सबसे पहले फ्रिज में देखता है जहां उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो आगे बाथरूम की तरफ जाता है जहां का गेट बंद होता है जो थोड़ा सा ठोकने के बाद वो खुल जाता है। फिर वो आदमी सिंक में देखता है जहां पर भी कोई नहीं होता और वॉश टब में भी नहीं। फिर वो बेडरूम की तरफ जाता है जिसका भी गेट बंद है जिसको खोलने के बाद उसका टाइम अब पूरा हो जाता है यानी अब 2:05 हो चुके हैं और बड़ी रफ्तार से वो घर से चला जाता है जिसके बाद मामा रैबिट बाहर आती है और फ्रंट डोर को जल्दी से लॉक कर देती है और जूनियर भी बाहर आ जाता है और बोलता है क्या वो गया मामा। बदले में मामा बोलती है हाँ जूनियर वो जा चुका है अब हम सेफ हैं। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं और दोस्तों ये थी इस गेम की गुड एंडिंग जो स्टोरी के साथ ही मैंने अटैच कर दी थी ताकि आप अच्छे से कनेक्ट हो पाए और इसलिए ही हमें आखिर में अच्छा ही देखने को मिला क्योंकि वो बिना किसी को लेके चला जाता है लेकिन बाकी की एंडिंग्स अच्छी नहीं है। चलिए उनकी बात भी कर लेते हैं। इस एंडिंग में जब वो आदमी घर में आता है यानी प्रवेश करता है तो उसको जूनियर सिंक में छिपा हुआ मिल जाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फिर तभी मामा रैबिट जल्दी से बाहर आती है और घर में ना तो जूनियर है और ना ही वो आदमी। फिर मामा रैबिट बोलते हैं मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि वो आदमी जूनियर को ले गया है और मैं उसे नहीं रोक पाई, प्लीज़ प्लीज़ उसे कोई ढूंढो। जिसके साथ ही ये एंडिंग यहीं ख़त्म होती है। इस एंडिंग में जब वो आदमी घर में जाता है तो उसको मामा रैबिट वॉश टब में छिपी हुई मिलती है जिसको वो अपने साथ ले जाता है। फिर तभी जूनियर बाहर आता है और बोलता है मामा वो गया क्या, अब तुम बाहर आ सकती हो, वो यहाँ पर नहीं है, मामा छुपना बंद करो, मेरे सामने आओ। जिससे जूनियर को ये बात अब पता चल जाती है कि मामा अब यहाँ नहीं है जिसको वो आदमी लेके चला गया है, अब मामा कभी नहीं आने वाली। जिसके साथ ही ये एंडिंग यहीं खत्म होती है। इन दोनों ही एंडिंग में वो आदमी किसी ना किसी को लेके जाना चाहता है, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कोई भी हो, जूनियर हो या मामा रैबिट, उसका इरादा पक्का है, 5 मिनट के समय के अंदर कोई मिला तो सही नहीं तो खुद चला जाता है। वेल देखा जाए तो इस गेम में कोई खास और अजीब कैरेक्टर दिखाई देता है तो वो द स्कैरी मैन द मैन ही है जिसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बात भी कर लेनी चाहिए, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इस गेम में इस बंदे का कोई नाम नहीं है जिसे सिर्फ द मैन कहकर बुलाते हैं, जिसका चेहरा काफी ज्यादा स्कैरी है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चपटी नाक है जो अगर हंसता है तो उसकी स्माइल कानों तक जाती है जिसके तो कान है ही नहीं। एक थ्योरी के हिसाब से ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अकेला है क्योंकि इसने एक घटना में अपने बीवी बच्चों को खो दिया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया
और हार्ट अटैक के कारण मारा गया, जो अब अपने परिवार से सिर्फ दोबारा ऊपर ही मिल पाएगा, जो खुशी खुशी अपना जीवन अपने परिवार के साथ बिताएगा। और एक दूसरी थ्योरी के हिसाब से उसको श्राप मिला है कि वो आत्मा की तरह शहर में भटकता रहेगा और जिन घर में सिंगल पेरेंट्स होंगे उसी घर में जाएगा और अपने बीवी बच्चों को ढूंढेगा, क्योंकि वो उन अजनबी लोगों में अपने परिवार को देखता है और उनका किडनैप कर लेता है, चाहे वो माँ हो या बच्चा, जिनके साथ वो जिंदगी भर रहना चाहता है और खेलना चाहता है। और अगर वो जिसको लाया है वो भी मर जाता है तो वो फिर दोबारा से शिकार पर निकलेगा और यही सेम चीज करेगा। पर इसकी एक खासियत है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अगर उसे कोई मिल जाता है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है, बस इतना ही। और वो किसी के घर में जब आता है तो वो 2 बजे आता है और 5 मिनट के अंदर वो घर के वासी को ढूंढता रहता है, क्योंकि अगर उसे कोई मिला तो उनको वो अपने साथ ले जाता है, जिससे बचने का बस एक ही तरीका है कि उससे बस 5 मिनट तक छिपे रहो, जिसके बाद वो खुद ब खुद चला जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं गलत घर में आ गया हूँ, तो चलो अगले दिन आएंगे किसी और के घर या किसी और जगह। और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक कि उसे कोई मिल नहीं जाता, और अगर उसे कोई मिल गया तो वो उसके साथ तब तक रहेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। ये एक साइकिल की तरह है जो हमेशा चलता रहता है, और मुझे नहीं पता कि इसे मुक्ति मिलेगी भी या नहीं, या बस वो ऐसे ही भटकता रहेगा, और अगर वो भटकता रहा तो ये साइकिल कभी नहीं टूट पाएगी। खैर, आप क्या सोचते हैं इस गेम के बारे में और इस कैरेक्टर के बारे में, और अगर आपने ये गेम खेली है तो आपको ये गेम कैसी लगी, और इस गेम से संबंधित अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हम सभी के साथ साझा जरूर करें। और अगर आपने ये गेम अभी तक नहीं खेली है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार तो अपना समय जरूर दें इस गेम को, अगर आपके पास समय है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वाकई आपको आज की ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है यानी कि रेड गॉमर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े हमारी फैमिली में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।